कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ यू आर इन द बिलो एवरेज और एवरेज क्लब, तो नेक हो, थोड़ी बहुत बदमाशी करते हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? 16-17 साल की उम्र में बदमाशी नहीं की तो क्या होगा? बहुत मुश्किल होता है ना इस तरह से चेहरे पे नकली मुस्कुराहट रखना, दुनिया पूरे टाइम तुमको यही बोलती है स्माइल प्लीज। बहुत दिक्कत होती है जब आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो और चेहरे पे मुस्कुराहट लेके दुनिया में घूमना हो। सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए बनी, जब तक ये सांसें चल रही है तब तक ये उम्मीद है। रफ करने के लिए कॉपी में जगह नहीं बची है, किसी मौसी के बेटे के चाची के बेटे से पुरानी कॉपी मांग के लाता हूँ, उसमें रफ करता हूँ। बहुत मुश्किल होता है ना इस तरह से चेहरे पे नकली मुस्कुराहट रखना, दुनिया पूरे टाइम तुमको यही बोलती है स्माइल प्लीज, अंदर से आई नहीं रही स्माइल। फिर एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पे लेके घूम रहे हैं हम लोग, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। चेहरे पे एक फेक स्माइल है, अंदर ही अंदर दिल टूटा जा रहा है, सपने टूटे जा रहे हैं, मन कमजोर पड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी दुविधा की बात कि ये बात बताएं तो किसको बताएं? दोस्तों को बताते हैं तो डर लगता है कहीं मेरी इन कमजोरियों का वो फायदा ना उठाए, इसको ले जाके समाज में चार लोग के सामने मेरी हंसी ना उड़ाए। माता पिता के जीवन में ऐसे ही इतना कष्ट है, रोज देखते हैं सर बेचारे इतने परेशान हैं, उनसे जाके कैसे एक और उनको एक परेशानी दे दूंगा। माता पिता अपने जीवन में खुद इतने परेशान हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, अब उनको जाके मैं कैसे बता दूं कि मैं परेशान हूं, उनकी परेशानियां और कैसे बढ़ाऊं? बहुत दिक्कत होती है जब आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो और चेहरे पे मुस्कुराहट लेके दुनिया में घूमना हो। जीवन को नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बहुत लंबा नहीं सोचते हैं कि 100 साल का जीवन होगा, 80 साल का जीवन होगा, छोटा जीवन सोचते हैं पर बड़ा। वो बोल रहे हैं ना उन्होंने बाबू मशाय, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। 100 साल की जिंदगी के बारे में मत सोचो, जो 100 साल का जीवन आप सोच रहे हो उसको सोचना छोड़ दो, थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। जिंदगी में ये मैटर नहीं करता है कि आप 100 साल जिए कि नहीं, जिंदगी में ये मैटर करता है कि अगर आप 10 साल भी जिए तो आप कैसे जिए। जब तक आप जिंदा थे सब कुछ अपना है, जिस दिन आपकी मृत्यु हुई कुछ भी आपका नहीं है। इस फीलिंग के साथ जिए कि ये पूरी दुनिया की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ ये सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए बनी है, जब तक ये सांसें चल रही है तब तक ये उम्मीद है। और जब तक सफल नहीं होंगे तब तक नहीं मरेंगे भाई, कुछ भी हो जाए, बुरे हालात हैं, घर में गरीबी है, घर में इन्वर्टर तक के पैसे नहीं है, लाइट जाती है तो मोमबत्ती जला के पढ़ना पड़ता है, कई बार इमरजेंसी लाइट में आप पढ़ रहे हो, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, छत पे जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, डेटा खत्म हो जाता है तो लोगों से डेटा उधार मांगना पड़ता है, जीवन में बहुत कष्ट है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं, रफ करने के लिए कॉपी में जगह नहीं बची है, किसी मौसी के बेटे के चाची के बेटे से पुरानी कॉपी मांग के लाता हूँ, उसमें रफ करता हूँ। ऐसे हालात भी हैं ना, तो खुद को बस एक ही चीज़ कहा करो, जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं भाई, आज सफल होके तो नहीं मरूंगा। जिंदगी खूबसूरत होगी, खुद को ये भरोसा दो, और जब खूबसूरत होगी तो कितने मजे आएंगे इसके बारे में भी कभी कभी सोचो, हर वक्त नहीं, झूठी दुनिया में फंस जाओगे फिर। कभी कभी इस बारे में सोचो कि जिंदगी आने वाली बहुत खूबसूरत होगी और उसके लिए मैं हर जीतो कोशिश करूंगा, एंड आई विल नॉट गिव अप, आई एम नॉट दैट वीक पर्सन, आई विल नॉट गिव अप, आई विल होल्ड स्ट्रॉन्ग। हो सकता हो मेरी सुनने वाले मेरे दोस्त नहीं हो सकता हो, शिक्षक भी नहीं सुन रहे हैं, माता पिता भी नहीं सुन रहे हैं, और ये डार्क रियलिटी है, और ये ऐसा सत्य है जिसपे अफसोस भी है हमें कि ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं समझना चाह रहे हैं आपकी बात को। मैंने बोला माता पिता ना भगवान का रूप होते हैं, भगवान भी नहीं होते, गलतियां उनसे भी होती हैं, कुछ चार बातें उनके दिल पे लग जाए तो माफ कर दिया करो यार। स्कूल में शिक्षक जब आपको डांटता है तो ऐसे स्माइल करके बैठ जाते हो आप, उसकी बातें थोड़ी दिल भेद के चली जाती है। वैसे ही माता पिता की हर एक बात को इतना सीरियसली मत लिया करो, आपको दिल से पता है आप ईमानदार हो, आप नेक हो, थोड़ी बहुत बदमाशी करते हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? 16-17 साल की उम्र में बदमाशी नहीं की तो क्या होगा? बदमाश बच्चे जीवन में बहुत आगे जाते हैं और बहुत नाम कमाते हैं, बहुत धूम मचाते हैं,
जो एवरेज बच्चा होता है ना, जो बिलो एवरेज बच्चा होता है, ये जीवन में सबसे ज्यादा धूम मचाता है। क्योंकि जो टॉप का बच्चा है ना, वो फंस जाता है एक राह में, भीड़ चाल में, वो उसी चाल में चला जाएगा, उसके पास समय ही नहीं है सोचने का कि इसके सिवा क्या कर सकते हैं। पर जो एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा है ना, उसके जीवन में समय ही समय है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ जीवन में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इफ यू आर इन द बिलो एवरेज और एवरेज क्लब, लाइफ विल गिव यू मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। बस बात इतनी है, आप उसको देख पा रहे हो कि नहीं, ग्रैब कर पा रहे हो कि नहीं, हर अपॉर्चुनिटी को कोशिश कर पा रहे हो कि नहीं, और अपॉर्चुनिटी से हारने के बाद खुद के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं। जस्ट से दिस टू योर सेल्फ कि मैं असफल नहीं मरेगा। जीवन से घृणा हो गई है, नफरत हो गई है समाज से, जीवन से, यहाँ के लोगों से, पेरेंट्स के प्रेशर से, ये बेवजह की तैयारी से। कोई बात नहीं, होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, टाइम सही हो जाएगा। बुरा वक्त अच्छा वक्त, सिक्के के दो पहलू हैं, आते जाते रहेंगे। कितनी भी काली घनी अंधेरी रात हुई हो, तुमने बचपन से आज तक ऐसी रात नहीं देखी होगी जिसकी सुबह नहीं आती। ये तो सत्य है, जीवन भी यही। कितनी भी काली रात हो, कितनी भी घनी अंधेरी रात हो, बादल गरज रहा हो, गिर जाए, तबाही हो जाए, अगले दिन सुबह आएगी। हो सकता हो अगला दिन भी खराब हो, उसके अगले दिन सुबह आएगी, पर आएगी। जस्ट हैव टू होल्ड ऑन। ये प्रिंसिपल याद रखना कि होल्ड ऑन कर लेते हैं यार, बुरा समय है ना, होल्ड ऑन कर लेते हैं। सबसे मजबूत व्यक्ति वही है जो बुरे समय में एक प्रिंसिपल सीख जाए, होल्ड ऑन। उस समय ज्यादा हिलोगे डुलोगे तो हो सकता है और दर्द हो जाए, होल्ड ऑन कर लेते हैं, बुरा समय आया, निकलेगा निकलेगा, इट विल पास अवे, इट विल पास अवे, चला जाएगा ये। जब डॉक्टर बचपन में इंजेक्शन लगाने आता था, क्या सोचते थे हम लोग, बस बस थोड़ी देर का दर्द है, चला जाएगा, थोड़ी देर दर्द होता था, चला जाता था। भाग तो नहीं जाते थे ना उस इंजेक्शन से, लगवाएंगे ही नहीं, भागते भाग भी जाते थे, पकड़ के लगाया जाता था तुमको, बैठा के चाल लो, वैसा भी हो सकता है। जस्ट होल्ड ऑन बेटा, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year, एंड गिव लाइफ इनफ अपॉर्चुनिटी। लाइफ को खूब अपॉर्चुनिटी दो, खूब मौके दो। इन नकली लोगों को इतने मौके देते हो, जीवन को नहीं दोगे यार। एक दिन सब अच्छा होगा और उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जितना आप प्रयास कर रहे हो, इसका रिजल्ट हो सकता हो तुरंत ना मिले। हम वहीं पे उदास हो जाते हैं कि इस टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आए। अभी अभी तो आपने शुरू किया था, समय लगेगा, आ जाएंगे नंबर। आज मैं आपसे कहता हूं चलो चेस खेलना शुरू करें, आपने 2 दिन चेस खेला, फिर मैंने आपको बैठा दिया वर्ल्ड चैंपियंस के साथ, जीतोगे क्या, नहीं जीतोगे, हार जाओगे। फिर आप बैठ जाओ जीवन में 3 साल सिर्फ चेस खेलो, दिन रात सुबह शाम चेस की किताबें पढ़ रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर से खेल रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं, पहले स्टेट लेवल पहुंचे, फिर नेशनल लेवल पहुंचे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। अब आप वर्ल्ड चैंपियन से लड़ तो सकते हो, हारना जीतना तो अलग बात, कम से कम ये औकात तो हो गई आपकी। समय लगता है जीवन में, 3-4 वर्ष लगेंगे, कठोर तपस्या, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें सही हो जाएगा।